हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। दोस्तों, हारे का सहारा कहे जाने वाले खाटू श्याम भगवान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसी के घर के पास खाटू श्याम भगवान का नॉर्मल सा मंदिर बनता है और वो एक नॉर्मल सा मंदिर, छोटा सा मंदिर हजारों भक्तों को अपनी ओर खींच लेता है और ये साबित कर देता है भगवान खाटू नरेश का नॉर्मल सा छोटा सा मंदिर क्यों ना हो, लेकिन महिमा छोटी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसमें साक्षात खाटू नरेश विराजमान है। लेकिन सवाल घूम फिर कर यही आता है कि मंदिर तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जहां कहीं भी खाटू नरेश का मंदिर है वहां आपको भक्तों की भीड़ जरूर दिखेगी, फिर चाहे वो मंदिर छोटा हो या बड़ा। अभी हम राजस्थान के मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम उन मंदिरों की बात कर रहे हैं जो आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं। आजकल जिसको देखो वो खाटू नरेश की शरण में जा रहा है और उनकी शरण में जाते ही उसका तो मानो नसीब ही खुल जाता है। श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगते हैं उसे वो लाखों करोड़ बार देते हैं, इसी वजह से लोग उन्हें लखदातार भी कहते हैं और कलयुग में खाटू श्याम को साक्षात श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। सीधा मुद्दे पर लेकर चलता हूँ, अगर आपको जानना है कि खाटू श्याम भगवान की इतनी लोकप्रियता क्यों है तो आपको खाटू श्याम की कहानी के बारे में जानना होगा। दोस्तों, पांडवों में भीम के पोते थे बरबरीक। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था तब बरबरीक जी ने युद्ध को देखने का निर्णय लिया और जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किसकी तरफ से लड़ेंगे तब उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण भगवान जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम पांडवों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बरबरीक जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उनसे कहा कि बाणों से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद डालो। श्री कृष्ण ने जानबूझकर एक पत्ता उसी वृक्ष का जो नीचे गिरा था अपने पैरों के नीचे दबा दिया और जब बरबरीक भगवान ने निशाना लगाया तब उनका तीसरा बाण सारे पत्तों को भेद कर कृष्ण भगवान के पैरों के ऊपर घूमने लगा। तब बरबरीक जी कहते हैं, अपना पैर हटाइए प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। जैसे ही श्री कृष्ण अपना पैर हटाते हैं तभी वो बाण उस पत्ते को भी भेद डालता है। ऐसे में श्री कृष्ण बरबरीक जी से उनके शीश का दान मांगते हैं, फिर बरबरीक जी उन्हें अपने शीश का दान भी दे देते हैं, लेकिन आखिर तक इस युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। श्री कृष्ण उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए उनके शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर रख देते हैं और उनकी भक्ति और बलिदान को देख कर उन्हें वरदान देते हैं कि कलयुग में वो भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजे जाएंगे और जो कोई भी उनके पास हार कर आएगा वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, इसलिए लोग इन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा भी कहते हैं। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में भगवान खाटू श्याम का सिर मिला था और ये चमत्कारिक घटना तब घटी थी जब वहाँ पर खड़ी गाय के थन से अपने आप ही दूध निकलना शुरू हो गया, जैसे मानो वो गाय अपने दूध से खाटू नरेश का स्नान करा रही हो। और उसके बाद वहाँ जब खुदाई की गई तब वहाँ खाटू नरेश का सिर मिला। उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों में बहस हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए, फिर सबकी सहमति से खाटू नरेश को एक पुजारी को सौंप दिया गया और इसी बीच तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया और शासक के कहने पर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और भगवान खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित हो गई। दोस्तों, अगर आप खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं। खाटू श्याम मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर की दूरी खाटू गांव में मौजूद है। अगर आप बाय ट्रेन आने की सोच रहे हैं तो खाटू श्याम से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन रिंगस है, वहां से खाटू श्याम मंदिर की दूरी मात्र 8.5 किलोमीटर ही है। तो स्टेशन से निकलने के बाद आप अपनी सहूलियत के अनुसार टैक्सी या जीप कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे पास का एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड सफर करने की सोच रहे हैं तो भी आपको मात्र 4 से 5 घंटे ही लगेंगे। फिलहाल कमेंट में बताएं क्या आप खाटू श्याम मंदिर गए हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और देखते रहें सुपर ज्ञान हिंदी। जय हिंद, जय भारत।